हाँ नमस्कार दोस्तों, हम लोग चल रहे थे पॉलीमर बहुलक, उसी आगे बात करेंगे। अभी लिखा है देखो, उच्च घनत्व पॉलीथीन और अल्प घनत्व पॉलीथीन में, हेडिंग डाल दो, उच्च घनत्व पॉलीथीन और अल्प घनत्व पॉलीथीन में अंतर। उच्च घनत्व पॉलीथीन और अल्प घनत्व पॉलीथीन में अंतर, ठीक है। देखो लिखा है उच्च घनत्व पॉलीथीन और इधर लिखा है अल्प घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन और इधर लिखा है अल्प घनत्व पॉलीथीन। अल्प घनत्व पॉलीथीन और यहां क्या है उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है। अल्प घनत्व पॉलीथीन हो गया, ठीक है, लिख लिया। अब देखो NCH2 डबल बॉन्ड CH2 पर ऑक्साइड है डाई ऑक्साइड और यहां क्या बन गया NCH2 मतलब पॉलीमर बन गया। उच्च घनत्व पॉलीथीन जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। पहली चीज, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होगा, TiCl4 प्लस AlC2H5 का होल थ्राइस, ये क्या हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या हो गया, अत्यधिक शाखित, ये क्या हो गया रेखीय, दोनों क्या है रासायनिक रूप से अक्रिय है। पहले इतनी बात नोट करो, ठीक है ना। अब इसका यूज एक बार आया हुआ है, देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब लचीली पाइप वगैरह देख रहे हो ना, जो पाइप लचीली होती है मुड़ जाती है वो तो किसमें आएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, और इसमें हार्ड जैसे बाल्टी हो गया कूड़ादान हो गया वो टाइप किसमें होगी उच्च घनत्व तो पॉलीथीन में। तो इसमें ये सब लाइनें आई हुई हैं, तो इसमें यूज लिख लो, लचीली पाइप खिलौने आदि, इसमें लिख दो बाल्टी कूड़ादान मग्गा जो भी हार्ड होते हैं ना उस टाइप से, लिख लिया। तो अल्प घनत्व तो पॉलीथीन और उच्च घनत्व तो पॉलीथीन में अंतर हो गया, मिटाएं इसको, लिख लिया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, मॉडल उठाओ, मॉडल है सबके पास अभी। पहला आपने सुनो, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कर चुके हैं, संरचना के आधार पर वर्गीकरण हो चुका है ना, समबहुलक सहबहुलक बताया जा चुका है, संश्लेषण के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण हो चुका है, हो गया ना। उच्च घनत्व पॉलीथीन निम्न घनत्व पॉलीथीन में अंतर बता चुके हैं। अब बात आती है, इसमें पॉलीमर कुछ बताई दिए गए, आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण लिखो, पेज नंबर खोल लो हिंदी मीडियम 4.11 मॉड्यूल नंबर 6 पेज नंबर 4.11 आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। देखो इलास्टोमर है प्रत्यास्थ बहुलक, रेसे ताप सुगट्य ताप दृढ़, ठीक है ना, अंडरलाइन करो मॉड्यूल में। ये बहुलक प्रत्यास्थ गुण युक्त रबर के समान ठोस होते हैं, इन प्रत्यास्थ बहुलक में बहुलक की श्रृंखलाएं आपस में दुर्बल अंतराणविक बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं, अंडरलाइन करो इसको, ठीक है ना। ये दुर्बल बंधन बल बहुलक को कुछ सीमा तक लंबा होने देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ब्यूना एस ब्यूना एन न्यूप्रीन, लिख लिया। अब इसके बारे में बात करेंगे, रेसे वे बहुलक जिनमें अंतराणविक बल हाइड्रोजन बंध या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल हो उन्हें फाइबर या तंतु बहुलक कहते हैं, इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, लिख लिया। नायलॉन 6 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एग्जाम्पल लिख लिया।
इधर आ जाओ ताप सुघट्य। इन बहुलक में अंतराणविक बल प्रत्यास्थ रेशे द्वारा बहुलक के मध्यवर्ती होते हैं। ये रेखी अथवा किंचित शाखिक बहुलक श्रृंखला के अणु होते हैं जो बार बार गर्म करने पर, मृदुल और ठंडा करने पर कठोर हो सकने में समर्थ हैं। ताप सुघट्य, अंडरलाइन कर दिया। इसका एग्जाम्पल टेफ्लॉन है, पॉलीवाइनिल एसीटेट है, पीवीसी है। इसमें एक मुद्दा लिखा है प्लास्टिसाइजर, वे कार्बनिक पदार्थ जिन्हें प्लास्टिक में श्यानता और मृदुता आदि के लिए मिलाते हैं प्लास्टिसाइजर कहलाते हैं। इसके दो एग्जाम्पल ध्यान रखना, डीबीपी डीओपी। ताप दृढ़, इन बहुलक या बहुलक त्रियक बंद या अतिरिक्त शाखित अणु होते हैं जो सांचों में तापन से विस्तीर्ण त्रियक बंद हो जाते हैं और दोबारा दुर्गलनीय बन जाते हैं। इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। इस चीज को अंडरलाइन कर दो, ठीक है बेटा। ये है, अब अपने बात करते हैं। फिर अब कॉपी उठा लो, लिखने वाली बात है। ये तो बात आपने बोर्ड में पढ़ी होगी, अब ये भी बात बोर्ड में पढ़ी है, लेकिन इसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना। लिखो नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? आइसोप्रीन। इसको पॉलीमराइज किया, क्या बन गया? CH2 CCH3 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां क्या हो गया? N। अब देखो ये चीज बेटा, यहां देखो, यहां ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड है कार्बन पे, डिफरेंट ग्रुप, यहां H और ये डिफरेंट ग्रुप, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, शो करेगा। तो दो आएगा, एक सिस और एक ट्रांस। तो सिस पॉली आइसोप्रीन, इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल रबर। सिस पॉली आइसोप्रीन को क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल रबर। और इसका एक फॉर्म आएगा ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। इसका एक दूसरा फॉर्म होगा, इसको कहते हैं गट्टा पर्चा, ठीक है। तो आपसे कहा जाए गट्टा पर्चा का मोनोमर क्या है, तो भी क्या है? आइसोप्रीन। और नेचुरल रबर सिस पॉली आइसोप्रीन, ये अपने आप में क्वेश्चन है, कौन सा नेचुरल रबर होगा, सिस पॉली आइसोप्रीन होगा कि ट्रांस? तो सिस पॉली आइसोप्रीन ये क्या होता है? नेचुरल रबर, नोट कर लो इसको। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन को कहते हैं गट्टा पर्चा, नोट करो बेटा। हो गया, ठीक है, मिटा दें। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन को क्या कहेंगे? गट्टा पर्चा। इसको लिख लो, मिटाते हैं इसको। इन चैप्टरों में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो करना ही। अब आ जाओ इधर, हेडिंग डालो रबर का बल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, मॉड्यूल से भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा फीलिंग के साथ बात समझो। ये है नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर है, और इसको सल्फर के साथ क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। इसमें क्रॉस लिंक बनेगा, ठीक है। ये मुलायम है, सल्फर मिलाने से ये क्या होगा? हार्ड होगा, ध्यान सुनो। और इसमें से यहां पे H2S गैस निकलेगी,
तो यहाँ सल्फर की मात्रा, पहली चीज तो आप ध्यान रखो, जो एनसीईआरटी की बात है, 5% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रबर है, मुलायम है, सल्फर का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा हार्ड हुआ, और सल्फर की परसेंटेज जैसे जैसे आप बढ़ाओगे बेटा, कठोरता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब एनसीईआरटी में देखोगे 5% सल्फर का उपयोग किस में होता है, टायर बनाने में, ये एफएमसी में आया क्वेश्चन है। थोड़ा सा और परसेंटेज बढ़ाओगे तो बैटरी नहीं होती, बैटरी के ऊपर जो रबड़ की केस लगी होती है वो बनता है, और परसेंटेज बढ़ाओगे तो जिससे एथलीट लेके जंप करते हैं वो बनता है। तो जैसे ऐसे कुल मिला के ये बात ध्यान रखो, जैसे ऐसे सल्फर का परसेंटेज बढ़ाते हैं, हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इससे क्या हो रहा है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बेटा, सुधार। तो अब हम आते हैं फिर मॉड्यूल पे, ठीक है ना, समझ गए। नेचुरल रबर है, मुलायम है, सल्फर के साथ इसको गर्म किया गया तो इसमें कठोरता बढ़ेगी, जैसे ऐसे सल्फर का परसेंटेज बढ़ाते जाओगे कठोरता बढ़ती जाएगी। 5% सल्फर, ये तो ध्यान ही रखना है अभी, 5% सल्फर का प्रयोग करने से क्या बनता है, रबर टायर। 15-25% बैटरी केस। चलो अब ये बात करते हैं, इधर आ जाओ, इसमें कौन सी गैस निकली, H2S लिख दिया पहले। अब देखो, प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर नरम और निम्न ताप पर भंगुर हो जाते हैं एवं जल उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। पेज नंबर 4.12 है ये, ठीक है। यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील और ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। इन भौतिक गुणों में सुधार के लिए प्राकृतिक रबर की क्रिया, ये लाइन है, सल्फर या सल्फर के यौगिक से कराई जाती है। इस प्रक्रिया में रबर की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं परस्पर सल्फर के साथ क्रॉस बंध से जुड़ जाती है। वो जो चीज बताई है, इसमें रबर अधिक कठोर व उपयोगी हो जाता है, इसे रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में H2S बाहर निकलती है, अंडरलाइन करो, उसी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम इसी में। इस प्रक्रिया में H2S टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले रबर के उत्पादन में 5% सल्फर का उपयोग तिर्यक बंध के रूप में किया जाता है। जो लाइन पहले कही है वही है इंपॉर्टेंट, कि टायर बनाने के लिए कितने परसेंट सल्फर का प्रयोग करेंगे, 5% सल्फर का उपयोग किसमें करते हैं, रबर टायर, रबर टायर बनाने में करते हैं। जैसे जैसे सल्फर की मात्रा बढ़ेगी कठोरता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, H2S गैस निकलती है, ठीक है, जल्दी लिखो, लिख लिया। भौतिक गुणों में सुधार की जाती है, तो बात हो गई। अगली बात, जल्दी लिखो इसको, मिटा दें। अब देखो इधर, बेकेलाइट, ये भी पॉलीमर है, बेकेलाइट। बेकेलाइट का एकलक क्या होगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट का एकलक क्या होगा, मोनोमर फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट के एकलक फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। OH है, देखना इधर, OH प्लस HCHO, H प्लस या OH माइनस, जो भी यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। इधर देखो तो H प्लस ले रहे हैं, दोनों हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड O, ये माइनस और ये प्लस, यही बात तो है,
तो ये कहाँ जाएगा, ओ एच, यहाँ क्या हो गया सी एच टू ओ एच प्लस ओ एच सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, सही है, प्लस ओ एच, यहाँ क्या हो गया सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, नोट करो जल्दी। हो गया, अब इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइज, पॉलीमराइज, पहले इसको नोट करो इतनी बात। नोट कर लिया, अभी क्या बनेगा, बैके लाइट, देखो ओ एच सी एच टू सी एच टू ओ एच सी एच टू, यहां ओ एच, यहां क्या हो गया सी एच टू, ठीक है, ओ एच, यहाँ क्या हो गया सी एस टू सी एस टू, सी एस टू सी एस टू, देख रहे हो ओ एच सी एस टू, और यहां क्या हो गया एन, इसी को क्या कहते हैं बैकलाइट, पर नोट कर लो। अगर यहां एन ले लेते लिख लिया, इसी का नाम क्या है बैके लाइट, देखो अपने चाहते तो इसको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना के फिर भी पॉलीमराइज कर सकते हैं, ओ एच सी एच टू ओ एच फिर पैरा पे, तब भी ऐसे बनाते आप, लिख लो जल्दी। बेटा आराम से मॉड्यूल सामने रख के बात करनी है आपको, हाँ एक लाइन लिखो, इस प्रक्रिया में एक रेखीय उत्पाद, इस प्रक्रिया में रैखिक उत्पाद हो सकता है, इस प्रक्रिया में रैखिक उत्पाद हो सकता है ओ एच सी एच टू ओ एच, ठीक है ना, बोलो पॉलीमराइज हुआ सी एच टू, यहां क्या हो गया ओ एच सी एच टू, यहाँ क्या हो गया ओ एच सी एच टू, यहाँ क्या हो गया ओ एच सी एच टू, और यहाँ क्या हो गया एन, इसको कहते हैं नोवोलैक, और इसका यूज होगा यूज्ड इन पेंट प्रलेप में, इस प्रक्रिया में एक उत्पाद कौन होगा नोवोलैक, इसको रिसॉल भी बोलते हैं या रिसॉल्व, ध्यान से सुनो, बैकलाइट तो बहुत फेमस है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बैकलाइट का एकलक क्या बताओगे,
फिनॉल, हाँ बेकेलाइट के स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बेकेलाइट के एक लग क्या होगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, बस इतना ध्यान रखोगे। बेकेलाइट का यूज किस में होता है, हार्ड चीज जैसे स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच है, कंप्यूटर डिस्क है जिससे बाल बनाते हैं, कंघी वो है, बर्तन के हत्थे, सस्पिन वगैरह देखते हो ना जिसमें चाय है उसके जो हत्थे होते हैं वो भी किसका यूज, उसका यूज क्या है, बेकेलाइट का है। नोवोलैक, हाँ तुमसे कोई देखो नया क्वेश्चन बन जाए, कहा जाए नोवोलैक का मोनोमर बताइए, एकलक बताइए, तो क्या बताओगे, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। नोवोलैक का एकलक भी क्या होगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। नोवोलैक को रिसोल पूछ ले और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, रिसोल का एकलक क्या होगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इसका प्रयोग किसमें करते हैं, पेंट में, इसका यूज नोवोलैक का क्या है, पेंट। लिख लिया, लिखो जल्दी। अगला है मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, मेलमेक, इसको क्या बोलते हैं, मेलमेक। अब देखो इधर, इसको समझना है, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर देखो, एन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड, यहां क्या है NH2, यहां क्या है NH2, यहां क्या है NH2, यहां देखना SCHO, ठीक है SCHO क्या बना, N NH2, NHCH2OH, और यहाँ क्या है NH2, ठीक है ना। पॉलीमराइज करोगे तो यहाँ से क्या जाएगा OH, यहाँ से क्या जाएगा H, यहाँ से क्या जाएगा H। अब देखो इधर, पॉलीमराइज पहले कर लेते हैं, N डबल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, और यहां क्या हो गया NH, यहां क्या बेटा N डबल बॉन्ड NHCH2, और यहां क्या है NH। नोट करो कैसे बना, इसको देख लो पहले, अब समझाते इसको, देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस, ये देख रहे हो ना NH2, इसको देखो पहले, तो ये हो गया NH और ये CH2, और जो यहां H है वो क्या हो गया OH, ये बात हमने कही, समझाने वाली प्रक्रिया बता रहे हैं अपने को। तो यहां NH और यही H किसके पास आ गया, O के पास, ये बन गया आगे पॉलीमराइज किया। नोट करो जल्दी, नोट कर लिया, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, हो गया NH, ये समझ गया ना, CH2 डबल बॉन्ड O, यहीं से क्या आ गया H, पॉलीमराइज किया यहां से OH, यहां से H, यहां से H, ये बन गया। हाँ यह बहुत कठोर व दृढ़ होता है, इसका उपयोग किसमें करते हैं, ना टूटने वाले बर्तन, जैसे क्रॉकरी के बर्तन होते हैं ना बेटा, सेम कप प्लेट होते हैं ना, गिर जाते हैं टूटते नहीं, तो ना टूटने वाले बर्तन, क्रॉकरी वाले, इसका प्रयोग उपयोग ना टूटने वाले बर्तन में किया जाता है, इसका उपयोग ना टूटने वाले बर्तन में किया जाता है। तो मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड इसका पॉलीमर मोनोमर हुआ, यह आपका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। अब सुनो IIT एडवांस में क्वेश्चन क्या पूछा कि मेलामिन में लोन पेयर की संख्या कितनी है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो मेलामिन में लोन पेयर की संख्या बताइए,
देखो इधर, एक दो चार पांच छह, देख रहे हो ना, सिक्स लोन पेयर हैं। तो लिख लो, स्टार बना के लिख लो। पहले तो ये ना टूटने वाले बर्तन क्रॉकरी लिख दिया, मेलामिन में लोन पेयर की संख्या बराबर सिक्स। मेलामिन में लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई? सिक्स। मेलामिन में लोन पेयर की संख्या बराबर सिक्स, लिख लिया। मिटाएं, इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी मॉड्यूल इनका सारा। अब रुको एक बार, पहले अपने एनसीईआरटी वाली बात पूरी कवर कर लें, ठीक है। अपने पास हमने खोल दी एनसीईआरटी और देखो बेटा क्या इसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। अभी देखो, बहुलक स्रोत के आधार पर कर लिया, संरचना के आधार पर हो गया, ठीक है। बहुलकन योगज संगठन हो गया, इलास्टोमर ये बोली दिया, ठीक है। एक मैकेनिज्म वाली बात देखो, ये है ना, इसमें एक पेज में मैकेनिज्म दे रखी है, देख लो बेटा, देख रहे हो ना। इस मैकेनिज्म की बात आप ऐसे करना है, हमने क्या बताया है कि धनायनिक बहुलकीकरण के लिए इनिशिएटर प्रारंभक क्या होगा, ऋणायनिक के लिए क्या होगा, मुक्त मूलक के लिए क्या होगा, ठीक है। उसी की बात आपको करनी है। पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीएएन हो गया, टेरिलीन डेक्रॉन हो गया, नायलॉन सिक्स हो गया, बेकेलाइट हो गया, बोलो, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, शानदार, ब्यूना एस हो गया है, रबर का बल्कनीकरण हो गया है, नियोप्रीन का एकलक क्लोरोप्रीन हो गया है। अब लिखो जैव निम्नीकरण बहुलक, ब्यूना एन भी हो चुका है, लिखो जैव निम्नीकरण निम्नीकरण बहुलक, बहुलक पीएचबीवी, पहला पीएचबीवी लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो इसको, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को ब्यूटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। लिखो इसका एकलक थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड CH3CHOH CH2COOH प्लस थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होता है। अभी समझाने वाली बात अभी करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं CH2CO OCH CH2CH3 CH2CO और यहां क्या हो गया N, देख बेटा, देख रहे हो, इसका नाम है 1 2 3 4 थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड,
और ये अपना क्या है PHVV, ठीक है। अब देखो कैसे बनाए, ये CH यहां कर दिया OH, CH3 ठीक है ना, CH2 COOH, बोलो बेटा कोई लफड़ा। दूसरी मैटर CHOH, CH2 CH3, CH2 COOH, यही है देख लो, यही है। यहां से क्या निकाला OH, यहां से क्या निकाला H, यहां से OH, यहां से H, बन गया यही। देख लो इस पोजीशन में रखना आपको सीधा, देख लो बेटा। अब क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कि कौन जैव निम्नीकरण बहुलक है, तो एक तो PHVV है, एक अभी बताएंगे नायलॉन 2 नायलॉन 6। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन से जैव निम्नीकरण बहुलक में एस्टर लिंकेज है, तो यहां पे क्या है एस्टर लिंकेज, यहां क्या है डियर एस्टर लिंकेज, देख रहे हो। आराम से चीजों को देखो, आराम से सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है इसको। तो जैव निम्नीकरण बहुलक क्या हुआ PHVV, इसमें कौन सा लिंकेज है एस्टर, मोनोमर क्या होगा 3-hydroxybutanoic acid 3-hydroxypentanoic acid, ठीक है। अगला मिटा दें, दूसरा है देख लो, मिटा दें इसको, ठीक है। अगला हेडिंग डालो नायलॉन 2 नायलॉन 6, दूसरा नंबर नायलॉन 2 नायलॉन 6। हाँ NCERT में इसका पॉलीमर बनाया नहीं है, हम बना के आपको दिखाएंगे। इसने लिखा है देखो, यह ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड समबहुलक है, सहबहुलक है और जैव निम्नी है, क्या आप इस सहबहुलक की संरचना लिख सकते हैं, आपसे कह रहा है लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे अभी। तो इसका एकलक ग्लाइसिन NH2CH2COOH प्लस NH2 एमिनो कैप्रोइक एसिड, बहुत पहले बताया गया होगा कार्बन संख्या कितनी होनी चाहिए 6, CH2 5 और यहां क्या हो गया COOH, इसी को क्या कर रहे हैं पॉलीमराइज। इसका नाम है ग्लाइसिन और इसका नाम है एमिनो कैप्रोइक एसिड, क्या बेटा एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ग्लाइसिन से यहां से क्या जाएगा H, यहां से क्या जाएगा OH, यहां से क्या जाएगा H, यहां से OH, तो लिखते हैं NH CH2 CO, यहां क्या हो गया NH CH2 5 C double bond O और यहां क्या हो गया N, ठीक है ना, यही क्या हो गया नायलॉन 2 नायलॉन 6 नायलॉन 2 नायलॉन 6, इसका मोनोमर क्या होगा ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है लिख लिया, अब इसमें कौन सा लिंकेज है एस्टर लिंकेज है कि एमाइड लिंकेज है, देखो बेटा यहां कौन सा लिंकेज है एमाइड लिंकेज, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस जैव निम्नीकरण बहुलक में एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, तो कौन सा है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। अब रही बात यूज की, तो यूज आप प्योर NCERT से पढ़ना, अभी तो फिलहाल आप ये जो लास्ट में चार्ट दे रखा है इसको आपको पढ़ना, देखो पॉली प्रोपीन है, ये आपको दिखा रहे हैं बार बार कि बेटा आप पढ़ना है, इसका उपयोग है रस्सियों खिलौने पाइप रे से। अब ये देखो ग्लिप्टल सीधे NTA ने उठा के टिका दिया और दूसरे पेपर में चार चार का कॉलम बना के कॉलम मैचिंग दे दी, प्रलेप और प्रलाक्स में बेकेलाइट का भी बताया था, सब बोल चुके हैं अपने, कंगिया वैद्युत स्विच बर्तन के हत्थे कंप्यूटर डिस्क बनाने में,
ग्लिप्टल, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बना सकते हो, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड बना लोगे ना, NH2CONH2HCHO, जैसे मेलेमिन किया था NHCS2OH, आगे से इधर से OH, इधर से H, ठीक है। अभी क्वेश्चन देंगे तो उसमें बना देंगे। तो ये जैव निम्नीकरण बहुलक हो गया। अब पॉलीमर हम दे रहे हैं, उसके आपको क्या बनाने हैं, मोनोमर। यूज कहां से पढ़ने हैं, जो NCERT का लास्ट पेज है वहीं से क्या पढ़ना है, यूज उपयोग वहीं से पढ़ना है। तो देख बेटा, इधर देखो, इधर आ जाओ। निम्न का क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखो, निम्न के एकलक लिखिए, निम्न के एकलक लिखिए, PVC, PAN, ओरलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, ठीक है, ग्लिप्टल, टेरिलीन, डेक्रॉन, बेकेलाइट, नायलॉन 2, नायलॉन 6, PHBB, BUNA-S, BUNA-N, सही है। नोवोलैक, ठीक है, नियोप्रीन, ओरलॉन हो गया, टेफ्लॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन हो गया, पॉलीथीन, PVC हो गया ना। पॉलीस्टाइरीन, चलो इसके तो पहले कर लो अपना मेन मूल, इसमें तीन पार्टों में और चीजें बोल रहे हैं, तब तक इसको लिखो आप लोग, सबके मोनोमर एक बार लिखो हम तब तक। रबर का वल्कनीकरण क्या होगा बेटा, रबर का वल्कनीकरण नेचुरल रबर है, सल्फर के साथ हीट करोगे, भौतिक गुणों में सुधार होगी, कठोर होगा, उपयोगिता बढ़ेगी। 5% सल्फर के लिए क्या होगा, रबर टायर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सी गैस निकलती है, H2S। उच्च घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन में अंतर आपको याद रखना ही है। फिर बात जैव निम्नीकरण बहुलक, ये बताया नायलॉन 2 नायलॉन 6, अब यहाँ मोनोमर लिख दिया है, एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड अलग से बना देंगे तो आपका ये मामला ज़्यादातर सेट हो गया। चलो कर लिया सबने, बोलो PVC का मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। PAN का मोनोमर एक्रिलोनाइट्राइल, ओरलॉन, PAN ही तो है, एक्रिलोनाइट्राइल ना, एक्रिलेन या ओरलॉन इसको कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम, यही एक पॉलीमर है जिसमें जल अपघटन सन्निहित है, नायलॉन 6। हेक्सामेथिलीन, डायमीन, एडिपिक एसिड, ग्लिप्टल, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिलीन, डेक्रॉन दोनों एक ही चीज है, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड, बेकेलाइट, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, यूज इसका कंपलसरी ध्यान रखना है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये क्या है, जैव निम्नीकरण बहुलक, इसका ग्लाइसिन एमिनो कैप्रोइक एसिड, PHBB 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड बनाना बता दिया गया था, ये भी जैव निम्नीकरण बहुलक है, इसमें एस्टर लिंकेज है, इसमें एमाइड लिंकेज है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 में क्या है, एमाइड लिंकेज, BUNA-S 1,3 ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, BUNA-N 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल, नोवोलैक एक लीनियर बनता था उसमें,
जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड लेते थे तो इसलिए इसका मोनोमर भी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, और इसका यूज किस में आता है, पेंट में, नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथाइलीन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है टोटली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, तो वही टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन। एक एनसीईआरटी में छुप के एक चीज लिख रही है, अंदर नहीं लिखा है बाहर लिखा है, तो उस चीज को हम बता रहे हैं, उस चीज को भी लिख दे रहे हैं। एक नोट करके लिख लो, यूरिया, यूरिया फॉर्मेल डिहाइड रेजिन कैसे बनेगा देख लो। यूरिया का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होगा, NH2CONH2, इसकी रिएक्शन HCHO, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड O माइनस, और ये प्लस क्या बन गया NH2CONH CH2OH, और इसको पॉलीमराइज किए तो यहां से क्या जाएगा OH, यहां से H, NHCONH CH2, यहां क्या हो गया N। ये अपने एनसीईआरटी में कहां दे रखा है, हिंदी वाले में पेज नंबर लास्ट में जहां पे यूज होगा लिखा गया है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, देखो NHCONH CH2N। ना टूटने वाले कप और पटलित चादर बनाने में इसका यूज होता है, लिख लो, ना टूटने वाले कप व पटलित चादर बनाने में इसका उपयोग होता है, ना टूटने वाले कप व पटलित चादर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इसको बेटा दो दिन हमने पढ़ाया, अब इसके आप क्वेश्चन वगैरह करना, हाँ एनसीईआरटी से बाहर इसमें नहीं जाना है, जो एनसीईआरटी में यूज, जैसे इलास्टोमर फाइबर जो भी है यूज आप एनसीईआरटी से लो, ज्यादा एग्जाम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पॉलीमर एक बहुत बड़ा सेक्शन है इंजीनियरिंग का, तो आपको उतना ही लेना है एनसीईआरटी, सिंपल से क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे, लिख लोगे बोलो बेटा। तो इस बात को आपको करनी है आराम से, एक एक का सबका पॉलीमर का बार बार उसको लिखा गया है, तो उसको आराम से करके पहला मोनोमर, फिर वल्कनाइजेशन नंबर, उच्च घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, और एक मैकेनिज्म का हमने निचोड़ लिखा है कि धनायनिक बहुलकीकरण के लिए क्या, ऋणायनिक बहुलकीकरण के लिए क्या, मुक्त मूलक के लिए क्या, प्रारंभक, धनायनिक के लिए एसिड कैटलिस्ट, ऋणायनिक के लिए बेस, और मुक्त मूलक के लिए क्या होगा, परऑक्साइड, जैव निम्नीकरण बहुलक, ये अलग से एक चीज थी एनसीईआरटी में, हो सकता है तुम्हारे में आ जाए, इसलिए इसका न टूटने वाले यूज, न टूटने वाले कप व पटलित चादर में इसका होता है, और मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड किस में था, न टूटने वाले कप प्लेट, क्रॉकरी वाले बर्तन, ठीक है। तो ऐसे दोनों वर्ड दिया जाए तो इसी को इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा, कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना आराम से लिख के नोट्स जो जो कहा है, नहीं तो मॉड्यूल से भी अंडरलाइन, इस चैप्टर के लिए आपको छूट है, मॉड्यूल से आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो एक बार करनी ही पड़ेगी, जैसे हम लिख रहे हैं ना, ये तो हम भी कहते हैं मॉड्यूल से पढ़ लेना, लेकिन नहीं कहा गया, क्योंकि आपको बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं, देखो जो चीज़ है, क्योंकि अब ये एनसीईआरटी बनानी है, तो अगर कहते हैं हम एनसीईआरटी पढ़ लो तो ये चीज़ मिस हो जाती, ठीक है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 का उसने कहा कि खुद ही आप बनाओ, इसलिए हमने बना दिया बेटा, बोलो रियर कर लोगे, हाँ तो इसका आराम से कूल होके एक सांचा बना लो, एक 20 पॉलीमर, उसके मोनोमर यूज एनसीईआरटी वाली, और जो दो चार चीज लिखाई है, रबर का वल्कनीकरण, उच्च घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन में अंतर, क्लासिफिकेशन में जिसके इसके एग्जांपल है वो बस याद कर लो, बस कहानी अपनी सेट, ठीक है बेटा, अच्छा कर रहे हो, अच्छा करोगे, बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।